एक बार फिर भड़की रंगोली। ऋतिक पर फूटा रंगोली का गुस्सा। वजह फिर एक बार कंगना रनौत। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच का मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 6 साल से ऊपर हो गए हैं इनकी इस लड़ाई को, लेकिन आज भी ये मसला ताजा लगता है। आफ्टर ऑल इस केस के तीनों किरदार कंगना रनौत, ऋतिक रोशन और रंगोली चैंडेल इस मसले को लोगों के मन से मिटने ही नहीं देते। एक के बाद एक हर रोज न्यूज में ऋतिक और कंगना को लेकर कुछ ना कुछ आता ही रहता है। और अब हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में ऋतिक ने कंगना को बुली कहा था। अब कंगना के खिलाफ कोई कुछ बोले और रंगोली कुछ ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अगर स्पेशली ऋतिक ने कुछ कहा हो तो रंगोली का ट्वीट तो आना ही था। रंगोली ने किया ऋतिक को स्लैम और उनके बारे में बहुत भला बुरा कहा। रंगोली लिखती है, ये देखो अंकल जी फिर शुरू हो गए, अरे चल भाई आगे बढ़, थोड़े थोड़े दिनों बाद बेइज्जती की डोज की लत लग गई है शायद, तेरे लिए अब मेरे पास कोई डोज नहीं है, चल फूट यहाँ से। वेल, जिनको नहीं पता हो कि ऋतिक ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था, उनको बता दे कि ऋतिक ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया। मुझे अब ये समझ आ गया है कि बुली करने वालों के सामने पेशेंस से काम लेना जरूरी है। ये हमारे समाज पर निर्भर करता है कि वो इसे किस तरह देखता है। जैसा मैं हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर मैं कानूनी रूप से जवाब दूंगा तो आक्रामक कहा जाऊंगा, और अगर मैं पीछे हट जाता हूँ तो मुझे कमजोर दिल का कहा जाता है। मैंने अब सीख लिया है कि मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर सच कहूँ तो मुझे उन लोगों से भी चिढ़ है जो उसके इस रवैये का सपोर्ट करते हैं, वो भी बिना सच जाने और बिना सच जानने की कोशिश किए। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी वजह से ये सर्कस 6 साल तक चलता रहा। खैर, मैं उस महिला के साथ सीधे तौर पर मेरा कोई भी लीगल केस नहीं है, इसलिए क्योंकि भारत में किसी भी लड़के का पीछा नहीं किया जा सकता है। I have come to realize that bullies have to be treated with a certain amount of patience and not be engaged with. It is upon the civil society and those who claim to be just and fair to see and observe if there is harassment. Also, being who I am, if I choose to confront as per laws, I become the aggressor. If I withdraw from a film clash that I know has been pre-designed, then I become a weakling penning a sob story. I have learned to not get affected by either. To be honest, my only grouse is with those supposedly enlightened people who praise and often cheer this behavior in the name of new and refreshing audacity, without any desire to be rational or truthful. They are the enablers who have allowed the circus to continue for 6 years. There is no legal case that I directly have with the lady, and the reason I cannot have one is because apparently a guy cannot be stalked in India. Well, आपका क्या कहना है इस बारे में? Do let us know in the comment section below. Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.